हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टिकट मिलने के बाद जोधपुर पहुंचे खेतासर का जोरदार स्वागत। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शंभू सिंह खेतासर का टिकट मिलने के बाद सोमवार को सुबह दिल्ली से जोधपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से लाद कर काफिले के रूप में निवास स्थान तक ले गए। भाजपा ने रविवार रात को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इसी सूची के अनुसार सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से शंभू सिंह खेतासर को टिकट दिया गया है। चुनावी टिकट मिलने के बाद वे आज सुबह वायु मार्ग से दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। उनका जोधपुर पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। उन्हें यहां बधाई देने वालों का तांता लग गया। कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारे भी लगाए। इसके बाद उन्हें काफिले के रूप में ले जाया गया। बता दें कि शंभू सिंह खेतासर को भाजपा ने गत विधानसभा चुनाव 2013 में भी सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से ही टिकट दिया था। उस दौरान वे कांग्रेस प्रत्याशी अशोक गहलोत से करीब 18,000 मतों से पराजित हो गए थे। भाजपा ने शंभू सिंह खेतासर को यहां से फिर दोहराया है। खेतासर राजपूत समाज में अच्छी पैठ रखते हैं, इसी कारण उनको वापस टिकट दी गई है। इस बार राजस्थान की जनता ने सोच लिया है कि वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में बनानी है। पिछले 5 सालों में जो विकास राजस्थान का हुआ है वो अद्वितीय है और जनता समझ रही है कि उस विकास के कारण हमें जो स्वास्थ्य के रूप में सरकार की ओर से अनुदानित इलाज मिला है, बड़े बड़े ऑपरेशंस मुफ्त में वे निःशुल्क हुए हैं, किसानों को इतना बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी से मिला है, श्रमिकों को व्यापारियों को GST के रूप में इतनी बड़ी सुविधा मिली है। इन सबको देखते हुए राजस्थान की जनता ने वापस तय कर लिया है कि राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।